अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मनीष टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मैं आपका दोस्त मनीष और मेरे चैनल मनीष टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का ये वीडियो है लिनोवो पावर बैंक के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है 10400, जिसका आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। और ये हमारे पास फ्लिपकार्ट से आ चुका है, कल ही आया है। और ये देखिए, और तो चलिए हम और आप मिलकर इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा बॉक्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मेरे पास तो ब्लेड ही है, प्रोफेशनल हूं नहीं मैं। पैकिंग तो बहुत अच्छे से फ्लिपकार्ट ने की है। चलिए बॉक्स को एक साइड में रख देते हैं। और ये इसमें बिल है, फ्लिपकार्ट अब बिल भी साथ में भेज रही है तो इसमें बिल है। और मैं इसका आपको प्राइस बता दूँ, ये डब्बे पे इसका जो, पहले मैं आपको प्राइस बताता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। दिख जा भाई, आप देख सकते हैं 2499 रुपये का है और ये मार्च 2017 का बना हुआ है। लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे अभी जो ऑफ़र चल रहा था उसमें मुझे 749 रुपये में मिल गया था। और अभी तो आजकल में 1100-1200 रुपये दिखा रहा है, तो जब ऑफ़र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर से ज़रूर। और अभी तो इतना ही, चलिए उसको देख लेते हैं बॉक्स भी उन्होंने क्या क्या दिया है। मेड इन चाइना है, चाइना पीछा नहीं छोड़ेगा अभी भी हमारा। क्या क्या बॉक्स में है इसके? पावर बैंक एक, पावर कॉर्ड एक, वारंटी पोस्टर है, क्विक गाइड है और इसका वोल्टेज 3.7 है, कैपेसिटी 10400 mAh, 38.48 Wh। लिनोवो ने इसे इंपोर्ट किया है चाइना से, मेड इन चाइना आप देख सकते हैं। इनपुट माइक्रो यूएसबी डीसी 5 वोल्ट 2 एम्पियर, आउटपुट यूएसबी डीसी 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर, सेल कैपेसिटी 10400 mAh, 3.7 वोल्ट, सेल टाइप लिथियम है, चार्ज टेम्परेचर 0 से 45 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा ओवर चार्ज ना हो। चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। कल जा भाई, जो है
अच्छे से रख देते हैं भाई, आप लोग भी देखिए। चार्ज जिसमें चार एलईडी लगा हुआ है, तो ये अगर फुल हो जाएगी तो ये चारों जल जाएगी। अभी एक पॉइंट चल रहा है, दो यूएसबी पोर्ट है, 5 वोल्ट 2.1 एम्पीयर का एक साथ है, इसमें दो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चार्ज करने का दिया हुआ है, पावर चार्जर से इसे हम चार्ज कर सकते हैं। से हम पावर चार्जर के द्वारा इसे चार्ज कर सकते हैं, जिसे 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर के चार्जर से चार्ज करने पे अच्छे से ये चार्ज होगा। और इसके बैक पैनल में आपको दिखा देते हैं, 10,400 mAh, प्रोडक्ट नेम लिनोवो पावर बैंक, पूरा डिटेल है ये। आप देख सकते हैं, चलिए इसे हम इसको चार्ज करके पहले देखते हैं और फिर इससे मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। और आपको तो मैंने इसके बारे में बताया ही नहीं, एक छोटा सा इन्होंने दिया है यूएसबी केबल चार्जिंग के लिए, और भाई जब दो पोर्ट दिए हो लिनोवो, दो चार्जर दो यूएसबी केबल दे देते, कॉस्ट बढ़ जाती। छोटा सा है, अच्छा है, मजबूत भी है, तो चलिए इसका ट्राई ले लेते हैं हम लोग। पास एक ही स्मार्टफोन है, तो दो अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं दोनों चार्ज करके आपको दिखा देता, आपको दिखाता हूँ इसको चार्ज करके। मोबाइल चार्ज होनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको अब पावर बैंक को चार्ज करके देख लेते हैं।
पावर बैंक चार्ज होना शुरू हो गया है, आप भी नजदीक से देखें। जैसे जैसे फुल चार्ज होते जाएगी ये चारों एलईडी लाइट फुल हो जाएगी और फिर ब्लिंक करना बंद कर देगी। जितना तक मेरी समझ है मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है और अच्छा पावर बैंक है, स्टाइलिश भी अच्छा है, लुक अच्छा है, थोड़ा सा मोटा है, कैरी करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर 5 इंच का आपके पास मोबाइल है तो ये कैरी साथ में दोनों हो जाएगा। अभी हमारे पास ये 5.5 इंच का मोबाइल है, पैनासोनिक का एलुगा रे एक्स है, इसका मैं आप लोगों को ये दूंगा करके रिव्यू, अभी किया नहीं है, अभी तो खुद यूज कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो ये आप कैरी कर सकते हैं साथ में, कोई खास मुश्किल नहीं होगी, लेकिन 5.5 इंच के मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर ये अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर कोई ऐसा ऑफर भी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।